नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी के सिग्नेचर की और बताऊंगा उनके सिग्नेचर को देखते हुए कि आखिर उनके सिग्नेचर में अथॉरिटी, इंटेलिजेंस, वो सब कहां दिखता है। साथ में अभी वर्तमान में चूंकि वो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो क्या राजनीति भी उनके हस्ताक्षर में दिखती है, इन सभी पर चर्चा करूंगा बारी बारी से। आज शुरू करते हैं किरण बेदी के हस्ताक्षर को जानते हैं और साथ में हम इनके व्यक्तित्व को भी समझेंगे। देखिए, किरण बेदी का ये सिग्नेचर है, आप देख सकते हैं बहुत अगर हम यहां से किरण बेदी को नाम को ना पढ़ा जाए तो समझना बड़ा मुश्किल है कि ये साइन क्या लिखा है। अगर आपका नाम सिग्नेचर में प्रेजेंट नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, यानी कि अगला कदम उसका क्या होने वाला है इसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता। तो यहां पर किरण बेदी कुछ इसी तरह से उनका जो सिग्नेचर है वो एक अनप्रेडिक्टेबल वाला सिग्नेचर बन गया है। अब बात करता हूं, देखिए यहां पर किरण बेदी अगर देखा जाए तो ये किरण लिखा है और ये बेदी लिखा है, ये के है और कैपिटल लेटर में है, आप देख सकते हैं यहां से एक लाइन इन्होंने ऊपर से खींची है फिर नीचे से गई है फिर यहां ओवरलैप हुआ है फिर इन्होंने अपना आई आर ए एन के बाद लिखने की कोशिश की है। के सही मायने में दिख नहीं रहा, ये कुछ वी के तौर पे दिख रहा। अब आते इस पर बी, अभी बताता हूं कि इस के मायने क्या है। अब आता है बी, बी यहां पर एक माउंटेनिक तौर पे बना हुआ है और यहां पे ईडीआई लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे खास बात यह है कि किरण के आई में के आई, यहां बिंदी डॉट नहीं है और बेदी के लास्ट में आई में डॉट नहीं है, इन सभी के मायने हैं, नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, सबके बारे में बताता हूं। देखिए अक्सर मैं अपने वीडियो में बताता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, क्लास वन ऑफिसर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो अपने सिग्नेचर के फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर को और सर नेम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में करिए, जो किरण बेदी जी ने भी यहां पर किया। देखिए किरण बेदी का के कैपिटल लेटर में है, बेदी का बी कैपिटल लेटर में, बाकी सब स्मॉल लेटर में, यानी कि ये पहली बात हो गई जो अक्सर मैं कहता हूं वो बात सिद्ध है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप अपने दोनों फर्स्ट लेटर को बड़ा करिए और सेकंड सर नेम के फर्स्ट लेटर को आप बड़ा करिए, बाकी सब छोटा छोटा करिए। अब बात करते हैं यहां पर जो के है ये कुछ वी के तौर पर बना हुआ है और ये वास्तव में नॉलेज बोल है, जो हम अक्सर बोलते हैं मनी बोल की बात करते हैं तो ये मनी बोल नहीं है, नॉलेज बोल है। आपको मैं बता दूं, अगर हम सिग्नेचर में कोई लेटर बना रहे हैं और उसकी जगह वो कुछ दूसरा प्रतीत हो रहा है तो वो हमारा कहीं ना कहीं नॉलेज बॉल के तौर पे जाना जाता है, वो आपको अथॉरिटी लेकर के आता है, वो यहां पर के तौर पे हम देख सकते हैं जो कुछ कुछ वी के तौर पे बना हुआ है। बाकी यहां पर एक साइन में पूरा नाम नहीं है, पूरे अक्षर नहीं है, बस एक लहर बना दी गई है सी वेव्स के तौर पर। यहां पर बेदी में भी हम कुछ कुछ डी को बस देख सकते हैं जो अक्षर स्पष्ट है, बाकी कोई अक्षर स्पष्ट नहीं है बी के अलावा। अगर सी वेव्स आपके सिग्नेचर में बनती है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ऐसा व्यक्ति हमेशा बड़े ऊंचे पदों तक पहुंचता है, साथ में सरकार का भी उसको समर्थन मिलता है। तो किरण बेदी के साथ यहां पर यही हुआ और अभी वर्तमान में वो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि हाँ सरकार का साथ का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो भी साथ देगी, सारी सरकार उनको साथ ही देती रहेगी, ऐसा नहीं है, मतलब एक हायर अथॉरिटी से उसको सहयोग मिलेगा, जो यहां पर सी वेव्स का मतलब होता है। ये कंफर्टेबिलिटी भी लेकर के आता है, आप कंफर्टेबल तभी हो पाएंगे जब आपका बॉस आपको समर्थन देगा। बॉस यहां पर कौन, यानी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, आपके जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं यहां पर बॉस वो हैं, तो उनका भी समर्थन मिलेगा जो किरण बेदी को मिलता रहा। और आपको मैं बता दूं अगर सिग्नेचर में कहीं नॉलेज बोल बन रहा है ये अथॉरिटी को भी दिखाता है, इसीलिए इनका नाम भी बहुत खूब हुआ, बहुत ज्यादा नाम इन्होंने कमाया और अपने शर्तों पर इन्होंने काम किया और बहुत ये रिजिड थी, रिजिड जो रिजिडनेस है वो कहां पे दिखती है, वो दिखती है कैपिटल लेटर के इस शेप में। आप देखिए लगभग ये 90 डिग्री, आप ये जो बी नीचे आ रहा 90 डिग्री पर बना हुआ, थोड़ा सा 85 डिग्री पर बना हुआ सिग्नेचर है, तो ये प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी को भी दिखाता है, साथ में चूंकि ऊंचाई है ये एम्बिशंस को भी दिखाता है और रिजिडिटी कठोरता को भी दिखाता है, इसीलिए जो किरण बेदी का नाम बहुत सुर्खियों में रहता रहा है। अगर सिग्नेचर में कोई एक लेटर, बाकी सब बहुत छोटे छोटे लहर की तरह बना हुआ और एक लेटर बीच का उठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति को अचानक कुछ ऊंचा पद मिलता है, और यही कारण रहा कि अभी वर्तमान में जबकि ये रिटायर हो चुकी हैं, आईपीएस अभी वर्तमान में नहीं है,
अभी ये पुडुचेरी की उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और हम जानते हैं मैंने इनको कहा अनप्रेडिक्टेबल, कैसे कहा अनप्रेडिक्टेबल, यहां पर के का वी के तौर पर बन जाना और यहां पर प्रॉपर बी का ना बनना, एक माउंटेन के तौर पर बन जाना, ऐसा व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और यही कारण रहा, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो या इसी तरह दूसरे आंदोलन जिससे जुड़ी रही और सुर्खियां इन्होंने बटोरी। दूसरी बात ये मैं अक्सर कहता हूं, अगर सिग्नेचर में माउंटेन कहीं पर आ रहा है तो आपको बहुत बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा, सफलता के शिखर पर लेके जाएगा। माउंटेन का मतलब यहां पर है सफलता का शिखर, तो ये यहां पर आप देख सकते हैं ये माउंटेन बना हुआ है और ये लास्ट में कंफर्टेबिलिटी को दिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं किरण बेदी के सिग्नेचर को देखते हुए कि ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत तरक्की करता है, बहुत अथॉरिटी को भी पाता है, क्योंकि आई का डॉट नहीं बना तो ये अनिश्चितता की चिंता करा देता है, यानी कि कभी कभी बहुत ज्यादा चिंता, कभी कभी ज्यादा वो एंजाइटी की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी जो अचानक आ जाएगी वो आई को लेकर के आता है। अक्सर मैं कहूंगा कि आई का डॉट हो तो आप जरूर बनाइए, जहां पर डॉट आ सकता है वहां डॉट रखिए लेटर में, तो आपको अचानक कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई इसी तरह की कोई चिंता भी आपको नहीं सताएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर नए वीडियो में, तब तक।